शमीशान निर्वाण रूपम विभू व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। और महाशिवरात्रि के मौके पर आपके शिव रुद्राष्टक से हमारे शो की जो शुरुआत है बहुत ही शानदार हुई है। और शास्त्रों के मुताबिक शिव आदि योगी हैं, योगाभ्यास की शुरुआत उन्हीं से हुई। महादेव हर किसी का कल्याण करते हैं, हर किसी का दर्द और दुख दूर करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा हुसैन, और इसलिए हमने कहा कि चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। मानवता के खिलाफ जो कोई भी रहा, प्रकृति के खिलाफ जो होता है, उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म करते हैं शिव। वैसे ही जैसे योग और आयुर्वेद से तमाम बीमारियां दूर होती हैं हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल, विध्वंस की एक कहानी रूस यूक्रेन के बीच भी 5 दिन से पहले शुरू हुई थी। पिछले 5 दिन में हर पल इंसानियत शर्मसार हुई। कुछ लोगों की नासमझी की वजह से दुनिया के तमाम देश सहमे हुए हैं। हालांकि बातचीत शुरू हो चुकी है और किसी हल के निकलने की उम्मीद जगी है। शांतिपूर्ण तरीके से हर परेशानी का हल निकल जाएगा, इसकी उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है। और उम्मीद का दामन तो कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए हुसैन। गुस्से से कुछ नहीं बनता है, चीजें बिगड़ती हैं और बिगड़ती चली जाती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आम लोगों का, शरीर का नुकसान, उसे जो गुस्सा करता है। ऐसे लोगों का अपना शरीर भी उनका साथ नहीं देता, और यही वजह है कि महाशिवरात्रि के मौके पर लोग 100 साल तक सेहतमंद कैसे रहें, आज हम इसी पर अपना ये विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। वैसे पिछले 23 महीने में हमारे इस शो के जरिए करोड़ों लोगों ने ये जाना और समझा है कि योग ही सेहत की बुनियाद है, सेहत का आधार है। रोजाना योग के जरिए लाइफस्टाइल को करेक्ट किया जा सकता है, बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें हर रोज हजारों दर्शक ये बताते हैं कि योग से उन्होंने अपना जीवन कैसे बेहतर बना लिया है। हार्ट, लिवर, किडनी, शुगर, बीपी, ये सारी परेशानियां ठीक हो रही हैं। लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं बहुत से जो शो सिर्फ देखते हैं, उन्होंने अब तक योग करने की शुरुआत नहीं की है। तो वो आज से यानी महाशिवरात्रि के मौके पर योगाभ्यास की नेक शुरुआत जरूर कर सकते हैं। स्वामी जी, महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, प्रणाम, स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और हमारी श्रद्धामयी, भक्तिमयी, योगमयी बहन मीनाक्षी जी को भी। और हम यहाँ एक तरफ सूर्य नमस्कार हो रहा है, एक तरफ शिव स्तुति कर रही हमारी श्रद्धामयी बहनें बेटियाँ, हमारे सन्यासी योग में निमग्न हो रहे हैं, पीछे शिव भोले का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। हम ये जो भांग, धतूरा, बिल्व, अर्क मदार, बेर, ये सब शिवजी पर जो चढ़ाते हैं, इसका आज हम वैज्ञानिक महत्व भी बताएंगे। और ये जो शिवलिंग है, जो अविवेकी लोग हैं न जाने कैसी कैसी भ्रांतियां फैलाते होंगे, यह सारी सृष्टि जो प्रकृति रूप है वो जलेरी के रूप में है, और शिव माने वह जो एक ब्रह्म, उसको खुदा कहो, अल्लाह कहो, ओंकार कहो, ऑलमाइटी गॉड कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, उसी का तेज सब जीवों में है। और ओम नमः शिवाय के साथ आज भगवान की शिव की आराधना के स्वरूप के साथ हम संकल्प लें कि प्रतिदिन अपने जीवन में कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करें। और प्रार्थना के स्वरूप के साथ सूर्य नमस्कार यहाँ से निरंतर चल रहा है। ऐसे ही ये योग की साधना एक आराधना की तरह हमें करनी है, और योग का नियम व्रत लेना है, और योग करना ही नहीं, योग कराना भी है। योग करना और कराना यह हमारा परम धर्म, यही सनातन धर्म, ऋषि धर्म, वेद धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, इस समय का युग धर्म, विश्व धर्म है। और इसी का शंखनाद, हम पर्वों पर शंख भी बजाते हैं, तो ये भी एक योग है। ये माथे पर बभूत लगाते हैं,
ये भी एक योग है, इसमें भी औषधीय तत्व जब हमारे भस्म हमारे माथे पर लगती है और उस भस्म में अलग अलग जो औषधियाँ होती है उससे हमारा जीवन आनंदमय होता है। और आज नियम पूर्वक व्रत पूर्वक सब योगाभ्यास में निष्णात होंगे इस संकल्प के साथ, सब सूर्य नमस्कार कर रहे एक साथ 12 अभ्यास और इन 12 अभ्यासों से सर्वांगीण व्यायाम होता है। चलो शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3 ऐसे कर रहे हैं लगातार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। लंबे लंबे श्वास, एक श्वास में एक अभ्यास। स्वामी जी देखिए, आपने भस्म रमाई माथे पर तो मुझे ख्याल आ गया, कहा भी तो यही जाता है, भस्म अंग गौरी संग, जटा में विराज गंग, चंद्रमा ललाट धारी अधिक सुहाए। स्वामी जी आज महाशिवरात्रि का पर्व है और शिव तो स्वयं आदि योगी हैं, तो आज के दिन उन योगासनों का पूरा अभ्यास बताएं और हमसे करवाएं जो हर किसी को 100 साल तक एक्टिव रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि वो चलते फिरते ही तो जीवन से जाए स्वस्थ रहने के लिए। जैसे हमारे वेद शास्त्रों में कहा, पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शतम्, अदीनाः श्याम शरदः शतम्, भूयश्च शरदः शतात् पवित्रेण शतायुषा। हम स्वस्थ समृद्ध सुखी संपन्न प्रसन्न होकर के सफलता के साथ विजय के गीत गाते हुए आत्म विजेता बन करके, और किसी किसी क्षेत्र में तो विश्व विजेता भी हो सकते हैं। जैसे भगवान ने मुझको योग आयुर्वेद स्वदेशी भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व विजेता बनाने के लिए शक्ति दी भगवान शिव ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, और हम उन्हीं ऋषियों के मार्ग पर चलते हुए, मैं कहता हूँ तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवो हम शिवो हम, हम में ही राम है, हम में ही कृष्ण है, हम में हनुमान है, हम में ही शिव है, हम ही गौतम कणाद जमिनी पाणिनि पतंजलि विवेकानंद दयानंद के प्रतिरूप हैं, हम में ही बुद्ध जैसी, महावीर जैसी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जैसी, प्रोफेट मोहम्मद साहब जैसी, ईसा मसीह जैसी पावन आत्मा है। तत्त्वमसि तेन त्वमसि तस्मै त्वमसि तस्मात् त्वमसि तस्य त्वमसि तस्मिन् त्वमसि, इतने बड़े व्यापक अर्थ हैं तत्त्वमसि। इस संकल्प के साथ रोज सूर्य नमस्कार करें, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन करें, जिनके शरीर में संतुलन है तो थोड़ा सा ये वृक्षासन करें। आज के अभ्यास हमारे साथ भक्तिपूर्वक करेंगे, इसलिए आज हमने शिवस्तुति के साथ मंद मंद स्वरों में, धीमे धीमे स्वरों में, हम यहाँ से हमारी पूरी भजन मंडली भी है, योगमय संगीतमय भक्तिमय स्वाध्यायमय हो जीवन हमारा। ये योग केवल आसन नहीं है, योग केवल प्राणायाम ध्यान नहीं है, पूरा जीवन ही योग है। ऐसे संगीत में योग हमने सिखाया है, योग से बड़ा तो कोई सरस तत्व ही नहीं है। और हमारी जैसे श्रद्धामय मीनाक्षी बहन बहुत अच्छे से शिव भक्ति के संगीत में निमग्न होती है, ऐसे हमारी ये बेटियां भी यहाँ आनंद से उसी शिव भक्ति के स्वरों को यहाँ से अभिव्यक्ति दे रहे हैं, और उसके साथ हम ऐसे योग करें और भोर में उठते ही सोचे हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा, हमारे जैसे सब पूर्वज योगी थे, हम भी योगी बने। सर्वांगासन और शीर्षासन सबके लिए जरूरी है, जो शीर्षासन न कर सके, मेरे साथ यहाँ बेटियाँ हैं, जो शीर्षासन कर सके वो शीर्षासन करेंगे, और जो शीर्षासन नहीं कर सकते वे सर्वांगासन करेंगे, और अपने घरों में जो ये ना कर सके वे अनुलोम विलोम करें। 100 साल जिएंगे, 100 साल निरोगी काया निरोगी तन निरोगी मन, स्वस्थ तन स्वस्थ मन स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ हृदय स्वस्थ पूरा जीवन, सद ज्ञान से सद भाव से सद गुणों से
आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, व्यापार में, जीवन में, सब प्रकार का संयम मर्यादा यही तो है योगानुशासनम। और भगवान शिव एक तरफ तांडव है, क्रांति है, दूसरी तरफ सहज समाधि शांति है। शांति और क्रांति के बीच में अभ्युदय निश्रेष्ठ निवृत्ति प्रवृत्ति योग कर्म योग प्रार्थना और पुरुषार्थ के दो ध्रुवों के बीच में जीवन का प्रवाह आगे बढ़ाना है। और हो सके तो रोज 5 मिनट, 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक शीर्षासन भी करना है। जैसे मेरे साथ श्रद्धामयी हमारी बेटियां करें, हमारे पूज्य सन्यासी कर रहे, ऐसे ये तो योग में ही पूरे खो गए हैं, योगी कर्म योगी हो गए हैं और संसार के लिए उपयोगी हो गए हैं। ऐसे शीर्षासन, अच्छा स्वामी जी, और सर्वांगासन, ऐसे शीर्षासन सर्वांगासन करें। स्वामी देखिए, आप जोड़ने का काम तो लंबे वक्त से कर ही रहे हैं, अधिक ना कर सके तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर लें ऐसे। जी स्वामी जी, आप देखिए 23 महीने से, पिछले 23 महीने से तो सिर्फ इंडिया टीवी के साथ योग करवा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और एक जोड़ने की पहल जो है बेलारूस में हुई, रूस और यूक्रेन के लोग साथ बैठे, बहुत कुछ लुटाने गंवाने के बाद, बहुत सारा खून खराबा करने के बाद, तो सवाल ये होता है और उठता है स्वामी जी कि इतना सारा गुस्सा आखिर लोगों को क्यों आ रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के हार्ट और बीपी की परेशानी इस वक्त हो रही है। आपने कई बार बताया है कि लंबी उम्र पर फुल स्टॉप लग जाता है अगर हाइपरटेंशन और बीपी जैसी चीजें हो जाए, तो गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए जरा ये भी बताइए। और अगर हो सके तो पुतिन को, बाइडेन को और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी कुछ मशवरा दीजिए कि वो लोग भी अपना गुस्सा कम करें और यूक्रेन में शांति आए। आपने एकदम ठीक कहा हुसैन भाई, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे संसार के संघर्षों में, झंझावातों में, संकटों में, संघर्षों की समस्याओं के बीच में व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके तन में मन में ऐसे ये रोग और ये विकार, ये सबसे बड़ा विकार तो ईगो एंड इग्नोरेंस है। और व्यक्ति के ये भीतर का असुर, ये भीतर की हिंसा क्रूरता, ये भीतर की हैवानियत यदि जागृत हो जाए ना, तो फिर कितना बड़ा विध्वंस हो सकता है। उसकी थोड़ी सी वानगी हम यूक्रेन और रशिया में देख रहे हैं, बेलारूस में यदि कुछ शांति के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो, और अंततः शांति के मार्ग पर आना ही पड़ेगा। तो अब ये जो सब कुछ हो रहा है, इससे बचने के लिए क्या करें? इसके लिए थोड़ा फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग वाले जो हम अभ्यास बताते हैं ना, कुछ वज्रासन में बैठ करके मंडूक आसन कर लें, कुछ पद्मासन में बैठ करके ऐसे योग मुद्रासन कर लें, आगे झुक गए और पीछे झुक गए। पीछे झुकने में सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं, सुप्त पद्मासन भी कर सकते हैं और उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। आगे पीछे झुकने से रक्त का संचरण ठीक हो जाता है, हाइपरटेंशन से मुक्ति मिलती है, हृदय रोगों से मिलती है आगे पीछे झुकने से। ऐसे आगे झुके और पीछे झुक गए ऐसे, इतना ना कर सके तो कोई बात नहीं, इतना करने में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रिक्वायर्ड है। जो इतना ना कर पाए तो वो कम से कम ये कर ले, उष्ट्रासन ही कर ले और मकरासन कर ले, भुजंगासन कर ले, इससे रक्त का संचरण ठीक होगा, पित्त का प्रशमन होगा और जिनको हाइपरटेंशन है फिर उनको मुक्तावटी बीपी ग्रिड ये सब दे देते। और इसी के साथ साथ अर्जुन की छाल हृदयामृत और लौकी का जूस पिला देते हैं, जो पूरा ना कर पाए तो आधा ही कर ले। और आदमी को गुस्सा जिनको बहुत आता है, पित्त के प्रशमन के लिए तो उपाय करें, जीरा, धनिया, सूप, मुलेठी और उनको गुलाब के फूल का पानी देते हैं। आज बादाम की, गुलाब की, सौंफ की ठंडाई जो हमने बना रखे वो भी बताने वाले। लेकिन कुछ लोग आज शिव भक्ति के नाम पर भांग पीते, ये भांग पीने के लिए नहीं है। हमने भांग और धतूरा, धतूरे के बीज और भांग के पत्ते और उसमें और भी 30 जड़ी बूटियां ली, इससे हमने केशकांति तेल बनाया और सच में इससे बालों में एक क्रांति आ गई। शिव जी की जटाएं बहुत है ना, तो शिव जी की इतनी जो जटाएं कैसी थी, तो यही जड़ी बूटियां उनसे वो अपने बालों में लगा करके और जो है
वो पूरे जटाजूट रहा करते थे, तो उल्टे लेट जाए। मकर आसन बालों में लगाने के लिए है ये भांग और ये धतूरा, कभी कोई धतूरा खा जाए। हाँ, भांग वैसे हम बिलवादी चूर्ण में भी डालते हैं, ये स्तंभक का काम भी करती है, जिनको बहुत दस्त लगते हैं बहुत थोड़ी सी मात्रा भांग की खिलाई जाती है। और भांग धतूरा अर्क मदार, ये तो कफ कोल्ड के लिए, उसके दूध की भस्म बना करके अथवा अदार मदार की जो जड़ है उसको 1/4 ग्राम लेकर के खिला देते हैं, पुराने से पुराना बुखार कफ कोल्ड दूर हो जाता है। और उसका जब वो खीर रखते हैं ना, कब रखते हैं? शरद पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा पर खीर रखते हैं, उसमें अर्क मदार की जो भस्म बना करके डालते हैं, तो पुराने से पुराना कफ अस्थमा भी ठीक हो जाता है। जो आंखी के पत्ते चढ़ाते हैं, आंखी के फूल चढ़ाते हैं, उनका भी एक मतलब ये महौषधि है। और अर्क का मदार का छोटा सा पत्ता मुंह में डाल के पान के साथ चूस ले तो पुराने से पुराना जॉन्डिस ठीक हो जाता है। थोड़ी महिमा बताई, हम अर्क चढ़ाते मदार चढ़ाते हैं और हम भांग धतूरा चढ़ाते हैं, और बेल तो ये रक्त के शोधन के लिए जो बेल का सेवन कर लेते हैं फल का भी और पत्ते का भी, उनके शरीर से सुगंध सुवास आने लगती है। आजकल लोगों के शरीर में एलोपैथी की दवाओं से, स्टीराइड से और तमाम तरह के एंटीबायोटिक से इतना शरीर जहरीला हो गया है, उस भीतर के जहर के प्रशमन के लिए बिल्व तो अमृत है। बिल्कुल, बेलपत्र से हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे मीनाक्षी जी खून साफ होता है। और धीरे धीरे जब गर्मियों का मौसम करीब हो जाएगा तब तो बेल के शरबत की भी हम बात किया करेंगे। लेकिन स्वामी जी आज देखिए कितना योगमय भक्तिमय श्रद्धामय वातावरण है। और इसी के बीच रामचरितमानस की बात भी मुझे याद आती है, भय बिनु होए न प्रीत। आपने कल भी ये कहा था कि रूस से भिड़ने से पहले सामर्थ्य बना लेते। हमारे शरीर के साथ भी तो ऐसा ही है। कोरोना के खिलाफ जंग में हम सबने देखा जिसकी इम्यूनिटी मजबूत थी उसने तो जंग लड़ ली, लेकिन जिसकी कमजोर थी उसका अभ्यास कर करके, योग अभ्यास करके, आयुर्वेद का पालन करके आपने मजबूत बनाया। तो अगर 100 साल तक जवान और मजबूत रहने का इरादा है तो फिर कौन से हेल्थ टिप्स हमें फॉलो करने होंगे ये भी आप सिखाएं। तो देखो, एक तो 10-10 बार से शुरू करके ऐसे और धीरे धीरे 100-100 बार तक ये डीप्स लगाएं, ये दंड लगाएं, ऐसे 10-10 बार करके 100-100 बार तक पहुंच जाएं। नहीं तो भुजंग आसानी कर लें, ये पूरा नहीं हो पाता है, तो इसी से ही गुजारा कर लें ऐसे और ऐसे। और फिर दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश, और जिनको ज़्यादा इस सेहत बनानी है तो न्यूट्रिला, उनके लिए हमने वेव प्रोटीन आइसोवेदा, और दूध दही घी छाछ अच्छी चीज़ें खाएं पिए, सूर्य नमस्कार करें, दौड़ लगाएं, थोड़ा दंड बैठ स्वामी जी हम एक तस्वीर भी इस वक्त दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी इतना मजबूत बन जाएगा के मौके पर मंदिर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक खास तस्वीर आई है स्वामी जी, इसलिए वो भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना करने के लिए। जरूर जरूर, और जिनमें बल हो तो ऐसे कर ले, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा संतुलन बनाना पड़ेगा। कभी हाथ पर थोड़ा बैठे कि बाबा ने बताया था इंडिया टीवी पर तो थोड़ा सा इसके लिए साधना करनी पड़ती है, वो करके फिर ऐसे करना। कभी हाथ घोड़े तोड़ा बैठे, बाकी नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही कर ले। चलो भाई लेट जा। तो ओंकार का जप करें, गायत्री का जप करें, महामृत्युंजय का जप करें, योग का तप करें, साधना और संयम पूर्वक जीवन को जिए और खुश रहें, बोझ लेकर के ना जिए। मेरे ऊपर भी सैकड़ों हजारों काम है लेकिन निर्भर रहता हूं, और भोर से ही अपने आप को योग में समाहित करके और योग चेतना से अपने आप को ओतप्रोत करके, और सबसे आह्वान कर रहा हूं कि एक एक व्यक्ति को कम से कम 10-10 को 100-100 को योग सिखाना है, और अकेले योग करना नहीं दूसरों को भी कराना है। तो आज इसी संकल्प के साथ योग क्रांति का एक चरण, तो जब 45 साल पहले हमने योग कर किया और 30 साल से करवा रहे थे, घर घर तक योग पहुंचा,
विश्व तक योग पहुंचा। अब सामूहिकता के साथ योग को आगे बढ़ाने के लिए आज हम आह्वान कर रहे हैं शिवरात्रि पर, ऐसे ही सब योग करें और प्रकृति का सही उपयोग करें। प्रकृति ही हमारी मूल संस्कृति है। किसी भी प्रकार के मजहबी उन्माद में, रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, न जाने कैसे कैसे मेडिकल टेररिज्म, इन सब से मुक्त होकर के योग और अध्यात्मवाद, यही सच्चा मानवतावाद और राष्ट्रवाद है। इससे हमें एकात्म होकर के और प्रतिदिन 5-10 अभ्यास करने हैं। 100 साल तक, जो हमने कल कहा था, 100 साल तक हमारा तन मन जीवन इतना स्वस्थ रहेगा, इतने सुखी रहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ईर्ष्या भी होगी, अरे जिस आज से 30-40 साल बाद ईर्ष्या होगी, ये मीनाक्षी जी, ये हुसैन भाई, ये तो वैसे के वैसे जैसे हमने 30-40 साल पहले देखे थे। ऐसे ही सारे देश और दुनिया को हम योग से स्वस्थ तो बना ही चाहते, साथ में सदा यौवन, सदा प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, इससे युक्त करना चाहते हैं। और उसके लिए माध्यम है ये छोटे छोटे उपाय। कोई भी 5-10 आसन और 5-10 प्राणायामों का चयन करके प्रतिदिन ऐसे ही, और प्रतिदिन सिर्फ स्वामी रामदेव को इंडिया टीवी पर देखना नहीं है, हो जाएगी सब नौकासन हमारे बालक यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, स्वामी जी के साथ रोजाना योगाभ्यास करना है, सिर्फ देखना नहीं है। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक तरफ जिन इलाकों में तापमान माइनस से भी नीचे रहता है, कहीं आपने करना भी, वहां पर जंग की गर्मी काफी ज्यादा है, तो हमारे यहाँ इस वक्त मौसम बदल रहा है और धीरे धीरे गर्मी आ रही है, और जब गर्मी आती है स्वामी जी, तो बहुत सारे लोगों को पाचन पर, डाइजेशन पर इसका असर काफी दिखता है, पेट में दर्द, मरोड़, लूज मोशन, ऐसी परेशानी बहुत आम सी हो जाती है, तो इस तरह की दिक्कतें ना हो, इससे बचने के लिए क्या क्या करना है? तो एक तो पवन मुक्तासन और ये मंडूक आसन जो रोज हम बताते हैं करीब करीब, ये सब कर लें, और साथ में ही बिल्व का सेवन करें, जो बिल्व शिवजी पर चढ़ाते हैं ना, बिल्व का सेवन करें, और बिल्व के सेवन के साथ साथ बेलपत्र, जिसको बोलते हैं बिल्व पत्र, बिल्व का पत्र भी जो है वो पित्त का प्रशमन करता है, और जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए बिल्व का पाउडर, कुटज घनवटी, कुटजार स्टॉ, अभी तो हमने कोलोग्रिट ऐसी औषधि बना दी आयुर्वेद में, पहली बार उसका पूरा खात्मे हो जाता है। इंडाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है अभयारिष्ट कुमार या सो पुनर्नवारिष्ट आदि खाने के बाद पी लें, अथवा लिवोग्रिट लिवामृत का सेवन कर लें, रोज मंडूक आसन कर लें ऐसे, और सुबह सुबह अनार या सेव खा लें। वैसे तो गाजर, अनार, चुकंदर, सेव, मुनक्का, अंजीर, खजूर, वीट ग्रास, एलोवेरा, ये हमने बताया हुआ 6 से 12 हीमोग्लोबिन हो जाता है और पाचन तंत्र एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय हम बताते रहते हैं, खाने में पहले सलाद खाएं, कच्चा खाएं, फल खाएं, थोड़ा अंकुरित खाएं, फिर बाद में पका हुआ खाएं, खाना चबा चबा करके अन्न को अन्नम ब्रह्मेति विजानत, भगवान का प्रसाद मान करके भगवत कार्य करने के लिए कि मैं ये सात्विक आहार का सेवन करूँगा तो ज़्यादा सेवा कर पाऊँगा, ज़्यादा भगवान की, उस खुदा की, उस दुनिया में मैं अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाऊँगा, योग करूँगा और योगदान दूंगा अपना अच्छा। ऐसे ये पाचन तंत्र के लिए बड़े ज़बरदस्त है मंडूकासन, शशकासन और योग मुद्रासन। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो ऐसे ये कर लें, और सर्वकल्प को आती पीले दिन भर, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लें, न गैस बनेगी न एसिडिटी, पाचन तंत्र ऐसा मजबूत होगा कि जैसे मैंने कई बार बताया, आधा आधा एक एक किलो भी दूध पिएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो लोगों को दूध पीते ही 10 लग जाता है, ये बुरी अलग गैस बन जाती है। पंचकोल का काढ़ा पी लें और फिर दूध पी लें, हमने एक एक 2-2 लीटर दूध और एक एक 2-2 लीटर दही, और महीने में 2-3 किलो, और कभी कभी कंपटीशन में तो रोज का 100-200 ग्राम घी खाया हुआ है और उसी से शरीर बनाया हुआ है, ये बर्गर, पिज्जा, कोका कोला, पेप्सी का शरीर नहीं है, और इसीलिए इसमें दमखम है, और 100 साल तक ऐसे ही दमखम के साथ जिएंगे, और जो हमारी तरह से ऐसे ही दमखम के साथ जीना चाहते हैं वो योग को अपना लें,
इससे इतनी भयंकर भूख लगती है उत्थित पद्मासन से तो जी, कि कहते ना लक्कड़ पत्थर हदम, हाथ में फर्स्ट क्लास, और नहीं तो कपाल भाती प्राणायाम तो है ही ना। ये अच्छा स्वामी जी, प्रश्न भी तो लेने थे, आप भूल गए, मैंने घड़ी की तरफ देखा, कब वक्त बीत जाता है। और योग करते करते तो वैसे भी स्वामी जी पता नहीं चलता, आपकी बातें इतनी असरदार होती हैं कि उसमें वक्त निकल जाता है बस। अच्छा स्वामी जी, अक्सर ये देखा जाता है कि भोले बाबा का प्रसाद मानकर लोग भांग, गांजा, चरस और धतूरे का नशा करते हैं और फिर इसमें अपनी बड़ी शान समझते हैं। तो महाशिवरात्रि के मौके पर ये बताना बहुत जरूरी और आपकी अपील बहुत जरूरी है कि नशा कैसे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और बीमारी की कई तरह की जड़ भी है। देखो ये अनुलोम विलोम करो, देखो जो है कनक कनक ते सो गुनी जो सुन रखा है वो मादकता है, वो पाए बोराए, ये सब कार्यक्रम जो है मेरे भाई आम आम आदमी भी यदि भांग धतूरा और ये सब सुल्फा गांजा पीने लगे तो उसका उसकी दुर्गति हो जाएगी। यदि भगवान ने भांग खा ली ना फिर तो संसार में प्रलय होगा। तो भगवान ने भांग नहीं खाई, भांग धतूरा सुल्फा गांजा ये तो औषधीय गुण बताए। अब मैं पूरे देश में घूमा तो मुझे भी लोगों ने, मेरी झोले में लाखों करोड़ों लोगों ने भांग धतूरा सुल्फा गांजा दारू अफीम मेरी झोले में डाली हुई है, वो कभी मैं आपको सारे विजुअल दे दूंगा। तो भगवान को हम अपने दोष अर्पित कर देते हैं कि आज से हम सुल्फा गांजा भांग धतूरा कोई नशा खाएंगे पिएंगे नहीं, और ओम सोहम शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो हमें हम शिव स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा है। अच्छा ये चीजें अच्छी होती तो सबसे पहले मैं ही खाता, यही बुड़का मारता यही पड़ोस कि भाई चलो आज एक एक धतूरा खाते एक भांग खाते और फिर जो है मदमस्त हो गया। ये मुझे तो प्राप्त है और मैं योगी हूं तो फिर ये इंडिया टीवी का कार्यक्रम बाद में और कोई देखता, फिर तो और ही कोई कार्यक्रम करता, फिर किसी और को ढूंढना पड़ता इंडिया टीवी को। ये सब कुल मिलाकर स्वामी जी एक तरीके से जो उसकी विधा है, नाम पर शिव के नाम पर नशा करना, भगवान कृष्ण के नाम पर दुराचार व्यभिचार और कि हम तो रासलीला कर रहे हैं, ऐसे ही अपने भगवानों को हमने बदनाम किया है। और भगवान राम कृष्ण शिव आदि अपने महापुरुषों को, अवतारी पुरुषों को बदनाम न करें। हमारे सभी महापुरुष चाहे वो भारतीय धरा इस धराधाम पर या यूरोप की धराधाम पर या मिडिल ईस्ट में जितने भी महापुरुष हैं सब ने नशे को नाश की निशानी कहा, इसलिए सब नशा छोड़े और योग से रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, हिंसा मुक्त, झूठ बेईमानी कदाचार व्यभिचार मुक्त, सदाचार युक्त, सद ज्ञान सद्भावों से सद्गुणों से युक्त जीवन हमें मिलता है। यह हमारे आत्मा में एक आवाज़ आती है, छोड़ो मैं शास्त्रों का भी प्रमाण देता हूँ, रेफरेंस देता हूँ, लेकिन आत्मा में जो परमात्मा की पुकार है वो सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, अब आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। और अब सवालों को शामिल करने की बारी है स्वामी जी। पहला सवाल गीता का ले लेते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस की दवाओं से लिवर में इन्फेक्शन हो गया उनके और एसिडिटी की काफी उनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए उपाय बता दें। ओहो हो, तो लिवर में एसिडिटी और तमाम फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर तक का मैं उपाय बता देता हूँ। एक तो योग मुद्रासन, मंडूकासन जो बताया, ये वक्रासन और गोमुखासन भी कर लें ऐसे, वक्रासन और वक्रासन के साथ साथ गोमुखासन, सर्वकल्प का दिन भर पानी पिए, लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लें और थोड़ा पुनर्नवारिष्ट ले लें, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा पेट। और जो एसिडिटी बनी हुई है गोमुखासन करो सभी, एसिडिटी के लिए तो रामबाण है, काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेके आधा आधा ग्राम सौंफ के पानी या सादा पानी से या वीटग्रास एलोवेरा से उसको ले लें, पूरा पित्त का भी प्रशमन हो जाएगा और 1-2 सप्ताह से लेकर के अधिकतम 1 महीने में ही पूरी एसिडिटी खत्म, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और ये सारे उपद्रव खत्म हो जाते हैं। और पेट का कैंसर किसी को हो तो दही के अंदर, दही भी चढ़ाते हैं शिव भोले पर, दूध भी चढ़ाते हैं, शहद भी चढ़ाते हैं, ये भी औषधि है। तो
दूध में तो हल्दी और शिलाजीत आदि ले, दही में तुलसी पत्र डाल करके ले। तुलसी पत्र, उससे पेट का कैंसर तक अच्छा हो जाता है। कितनी बड़ी बड़ी जो है ये औषधियाँ, ये ज्ञान अपने ऋषियों ने हमें दिया है, उसको भूल गए थे। मीडिया टीवी के माध्यम से याद दिला देते हैं। अगला प्रश्न आप ले लो। अगला सवाल स्वामी जी अरुण का है। 2 साल से उनके पिताजी को किडनी और गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम है, इसके लिए वो उपाय जानना चाहते हैं। तो अरुण के लिए उपाय ये है, किडनी स्टोन के लिए पत्थर चटा सर्व और ये विकदोषर क्वाथ, और अभी तो हमने रिनोग्रीट भी बना दिया है, बाकी वृक्कदोषर वटी चंद्रप्रभा वटी गोक्षरादि गुगुली एक एक गोली खा लेते हैं, गोखरू का पानी पी लेते हैं, जीरे का फ्रेश वाटर जो हरा होता है, या जो धनिया उसका पानी और धनिया का बीज और गोखरू का बीज, इसको उबाल करके पिएंगे तो इससे किडनी तो एकदम अच्छी हो जाती है। यह हमने कितने लोगों को देखा है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हम बताते रहते हैं ना, अब लाखों करोड़ों लोगों ने तो नोट डाउन कर लिए है। और फिर साथ ही साथ कपाल भाते अनुलोम विलोम, मड थेरापी वाटर थेरापी भी करें। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, महाशिवरात्रि का मौका है, भक्त ऐसे में ठंडई का उपयोग करते हैं, और ठंडई बनाने का आज आप हेल्दी तरीका बताइए। हाँ, ठंडाई का हेल्दी तरीका बताते हैं। और मैंने बोला ये भांग धतूरा इससे और 30 जड़ी बूटियों से बना हुआ ये तेल लगाना तो मेरी तरह से बाल हो जाएंगे, शिव जी की तरह जटाएं आएंगी, खाना नहीं, उसको बालों में लगाना। इसका पेस्ट भी हम बनाते हैं, भांग धतूरा, इसमें कढ़ी पत्ता, चिरौंजी जो है वो ये सब डाल करके भृंगराज, उसको तो बालों में लगा लेना। खाने के लिए इधर से और जो है ये देखो, आज की जो हमारी ठंडाई है ना बड़ी जबरदस्त है। वैसे रेडीमेड भी है पतंजलि की ठंडाई, लेकिन उससे भी जो है बड़ी है। ये बादाम, ये सौंफ, ये गुलाब के फूल, और ये थोड़ी सी काली मिर्च और मिश्री, इस सबको हमने डाल करके कूट दिया, और कूट करके फिर इसको दूध में घोट देते थे, और घोट करके दूध में, और फिर ये ठंडाई तैयार हो जाएगी। आप कल का कार्यक्रम बताओ, तब तक हम पूरा ठंडाई बना। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, कल का कार्यक्रम दर्शकों को बता देते हैं। कमर कूल्हे और पैरों में तेज दर्द है, किस योग से स्ट्रांग बनेगी नर्व्स, उठना बैठना बंद, पैरों में सुन्नपन, किस उपाय से दूर होगी स्पाइन की हर प्रॉब्लम, स्वामी रामदेव के सटीक नेचुरल उपाय साइटिका की समस्या से निजात दिलाए, कल सुबह 8 बजे। स्वामी जी, कल का कार्यक्रम भी बता दिया है। इधर आओ ठंडाई पीने के लिए। देखो, एक तो ये ठंडाई बन गई, ये जबरदस्त ठंडाई है, ये तो मैंने बनाई है, और एक ये पतंजलि की रेडीमेड है, और ये रेडीमेड ठंडाई भी बड़ी जबरदस्त है, इसको भी घर पे ही ला करके पी सकते हैं। अभी मौसम आ रहा है ठंडाई का, पीने वाले भी आत्माएं आ गई हैं इधर चलती चलती। चलो तुम पियो, और आप अभी अपना उपचार के बाद जो है समाचार का समय हो गया स्वामी जी। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सबको, शिवरात्रि की बोलो हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।